ऑटो नॉलेज में आपका खुश आमदीद, खैर मकदम, वेलकम। आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि ये फ्रेशर फैन है, जो ये 40 वॉट का होता है। ये इसका आरपीएम देखिए 1400 से 2800 आरपीएम होता है ये। तो आज इसके बारे में जानेंगे, ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका कनेक्शन कैसे होता है और ये इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए आइए चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये शाफ्ट है इसका, इसमें बुश लगा होता है और ये इसकी चारों सलाई है, इसको रिंग कहते हैं। ये इसका बैक कवर है, इसे हम खोलेंगे और खोलकर चेक करेंगे। ये स्क्रू लगा होता है, इसे खोलकर हम चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए आइए सीरीज से चेक करते हैं सबसे पहले इसको। तो हमने स्क्रू खोल दिया है, इसका बैक कवर हमने खोला। देखिए इसमें ये कनेक्शन है इसका मेन लाइन का, इसकी लाल मेन है, बाकी कैपेसिटर वाली है, पीली वाली कैपेसिटर की मेन होती है। उसके बाद इसे हम चेक करते हैं, इसका हम सारा कनेक्शन खोल लेंगे, इसके कैपेसिटर में से भी वायर हम निकाल लेंगे। उसके बाद इसे हम चेक करेंगे क्या फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें तीन वायर होती है, देखिए रेड, ब्लैक और ग्रीन। तो हमने सीरीज का स्विच ऑन कर दिया है, ये देखिए अभी सीरीज का स्विच हमने ऑन किया, आपस में टच करेंगे, ये स्पार्किंग हो रहा है, इसमें आ रहा होगा नज़र आपको। तो उसके बाद हम चेक करेंगे इसके लीड को, देखिए आवाज़ कुछ ना कुछ आ रही है। इसमें लीड नहीं बोल रहा इसका, मतलब रेड काम नहीं कर रहा इसका और ब्लैक और ग्रीन काम कर रहा है, इस पर लीड नहीं बोल रहा। तो इसके लीड में प्रॉब्लम है, मतलब या तो मोटर शॉर्ट होगी या तो लीड शॉर्ट होगी। तो इसे सबसे पहले ऑफ करते हैं इसका स्विच, उसके बाद हम इसे खोलेंगे, इसके चारों नट खोल करके फिर हम चेक करेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हमने चारों नट फटाफट खोल लेना है। आठ नंबर की गोटी की मदद से ये सारे नट खुलते हैं, तो चारों नट इसे हमने फटाफट खोल लेना है, ठीक है। आठ नंबर की गोटी की मदद से ये खुलते हैं सारे, चारों सलाई के नट हमने लूज कर लिए हैं, एक सलाई और ये रही आपकी दूसरी सलाई, और उसके बाद हम खोलेंगे तीसरी सलाई, ठीक है। ये तीसरी सलाई खुल चुकी है और ये इसका जो है, ये जो बैक कवर होता है ये वाला, इसको हमें टाइट करने के लिए होता है ये, ताकि इसमें ये स्क्रू लग करके बैक साइड से ये कवर इसका टाइट हो सके सही से, ठीक है। तो ये इसके लिए होता है ये क्लैंप, और ये हमने चौथी सिलाई खोलनी, ठीक है। चौथी सिलाई खोलने के बाद अब इसे हम क्या करेंगे कि इसका हम जो कवर है ये आएगा वो निकालेंगे। देखिए रोटर साथ निकल चुका है ये, ठीक है, और आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसका ऑयल जो है बिल्कुल सूखा हुआ है। इसका बुश ठीक है, ओके है, बस इसमें ऑयलिंग करनी पड़ेगी। इसका ये बुश सूखा हुआ है नीचे वाले का, इसको अभी हम कवर खोल करके निकाल लेंगे। देखिए इसे भी हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ये सीसी में है मोटर, मतलब एल्यूमिनियम में है, ठीक है। ये ऑलरेडी ये टूट चुका है ये रेड वायर इसका, इसे हम निकालते हैं। इसके हम धागे को यहाँ से काटेंगे, उसके बाद इसकी लीड हम चेक करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका धागा काटते हैं, इसको हम सीजर की मदद से काटेंगे, ठीक है। ये धागा हमने सीजर की मदद से हमने काट दिया। अब इसे हम चेक करेंगे कि ये आखिर प्रॉब्लम लीड में है या मोटर में है, ठीक है। अगर लीड में होगा तब तो ईजिली हो जाएगा, अगर मोटर में होगा तब तो ये फिर रिबाइंड करानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये देखिए इसका ये हमने निकाला और ये रही इसकी वायर, ठीक है। अब हम चेक करेंगे इसको, तो आइए चेक करते हैं। देखिए ये भी निकल चुका है ऑलरेडी, ये भी जला हुआ है अंदर से, इसकी भी लीड जली हुई है। तो इसका हम पहले धागा खोलेंगे, ये लीजिए इसका धागा हमने निकाला। जैसे हमने धागा इसका खोला है उसी तरह से हमें इसको धागे को इसमें प्रयोग करके और अच्छे से इसको बांधना पड़ेगा। तो आइए हम इसका लीड चेक करते हैं, देख सकते हैं आप ये दोनों का निकल चुका है इसका लीड, एक हरी वाली और एक लाल वाली। तो हम इसका लीड चेक करेंगे, सीरीज पे हमने लगा दिया है इसका, स्विच ऑन कर दिया है। उसके बाद इसे हम चेक करते हैं, ब्लैक है और ये आपकी ग्रीन है, लेकिन ये बोल नहीं रहा। इस पर देखते हैं, इस पर तो बोल रहा आपस में, लेकिन ऐसे नहीं बोल रहा है, ये इस पर भी नहीं बोल रहा है। तो आइए हम दोबारा से इसको चेक करते हैं, सीरीज भी लगा दिया हमने,
और लिड हम चेक करेंगे, ये देखिए ये इस पर बोल नहीं रहा, इस पर तो आपस में तो बोल रहा है ये, लेकिन इस पर नहीं बोल रहा, इस पर भी नहीं बोल रहा, ये इस पर भी नहीं बोल रहा, देखिए इस पर इधर वाले भी नहीं बोल रहा ये, इसका मतलब इसकी मोटर शॉर्ट है। ठीक है, मोटर ये अंदर से शॉर्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रिवाइंडिंग के लिए दे देंगे, रिवाइंड के बाद फिर हम आई का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। फाइनली देख पा रहे हैं आप ये कि मोटर बाइंड होकर आ चुकी है ये। ठीक है, अब इसे हम करेंगे फिट। तो सबसे पहले बाइंड जब होकर आती है तो इसे हम उसके बाद हम चेक करते हैं इसको कि लीड चेक करते हैं कि लीड इसकी प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम लीड चेक करेंगे। तो चलिए आइए हम लीड चेक करते हैं, क्योंकि बाइंड होने के बाद लीड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने इसका स्विच ऑन किया, सीरीज ऑन कर दिया और हम चेक करेंगे आपस में ये लीड इसकी स्पार्क कर रहा है। देखिए मतलब ये बोल रहा है, ये भी बोल रहा है। ठीक है, मतलब अब ओके हो चुका है। अब करंट चेक करेंगे, करंट नहीं है। ठीक है, तो देख पा रहे हैं इन दोनों पे कम बोल रहा है बल्ब, इन दोनों पे कम बोल रहा है और इस पे ज़्यादा बोल रहा है। मतलब ये जो है इन दोनों में तार में से किसी भी लगाते हैं तो इस पे ही ज़्यादा बोलता है और इन दोनों पे कम बोलता है। तो ये दोनों कैपेसिटर हो गया, ये मेन हो गया। ठीक, तो चलिए अब हम इसे फिट करते हैं। ऊपर वाला कवर है, इसके कवर में हम करेंगे ऑयलिंग। इसका नंदा बिल्कुल सूखा होता है तो हमने इसमें ऑयल अच्छे से डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो इसका नीचे वाला कवर है इसमें भी हम ऑयलिंग करेंगे। देखिए ये भी सूखा हुआ है, इसमें भी हमने ऑयलिंग कर दिया है। ठीक है, अब हम करेंगे इसे फिट। ये है ऊपर का कवर, सबसे पहले हम इसका ऊपर का कवर ऐसे लगाएंगे। तो ये ऊपर का कवर लगा दिया, कवर लगाने के बाद हम देखेंगे इसका होल जो है बिल्कुल आमने सामने मिल रहा है, नहीं मिल रहा इस वाले होल से। ठीक है, तो बिल्कुल मिल रहा है, बिल्कुल मैच खा रहा है ये। इसको हम फिट करेंगे, तो इसे हम यहाँ से निकालते हैं, इसकी वायर देखिए इसमें से निकालते हैं, किसी भी एक होल से निकाल देंगे इसको। इसमें बैक साइड में यहाँ पे होल नहीं है, इसलिए हमें किसी इसी तरह के होल से निकालना पड़ेगा। अब हम इन दोनों को बराबर करके देखेंगे कि उस तरफ और इस तरफ दोनों होल ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये बिल्कुल होल आमने सामने है, बिल्कुल इक्वल है ये। शाफ्ट आगे पीछे करके देखेंगे, इसमें काफ़ी ज़्यादा पिले है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसमें वार्सल डालना होगा। इसमें हम वार्सल डालते हैं, तो हमने इसमें वार्सल एंटर कर दिया है, ये देख पा रहे होंगे आप, दो वार्सल एंटर कर, तीन वार्सल एंटर कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके नीचे वाले कवर में हमने बिल्कुल सही जगह पर एडजस्ट कर दिया है इसको। देखिए ये मूव कर रहा है ये। अब हम इसे यहाँ पर लगा कर और चेक करेंगे, वार्सल ज़्यादा तो नहीं डल गया। देखिए वार्सल ज़्यादा डल चुका है, ये कवर सही से बैठ नहीं पा रहा। तो हम इसे क्या करेंगे, तो हम इसे करना ये होगा कि वार्सल हमें कम करना होगा। ठीक है, एक वार्सल हमने कम कर दिया, फिर अब हम इसे लगा के देखेंगे। अब ये बिल्कुल इक्वल है, अब हम इसे करेंगे फिट। तो हमने ये लगाई पहली सिलाई, पहला नट लगाया बिल्कुल सामने, फ्रंट में सिलाई लगाई इस सिलाई के बिल्कुल सामने, दूसरी सिलाई लगाया, ये नट टाइट किया इसका, तीसरी सिलाई लगाते हैं, तीसरी सिलाई लग चुकी है, तीसरा नट भी लग चुका है ये। अब हम लगाएंगे इसकी चौथी सिलाई, चौथी सिलाई लगाने के बाद इसे हम आठ नंबर गोटी की मदद से अच्छे से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद फिर उसके बाद हम इसका करंट चेक करेंगे, करंट चेक करने के बाद कनेक्शन करेंगे कैपेसिटर के साथ। तो जहाँ तक आप देख पा रहे हैं ये चौथा आपका जो नट है ये भी टाइट हो चुका है। इसे हम आठ नंबर की गोटी की मदद से हम टाइट करेंगे। देखिए ये आठ नंबर की गोटी की मदद से इसे टाइट कर रहे हैं। पहले हम आमने सामने टाइट करेंगे, मतलब बिल्कुल एक सिलाई से दूसरी सिलाई जो मिलती जुलती है उससे हम टाइट करेंगे ताकि ये इसका फिटिंग सही से बैठ पाए। दो सिलाई टाइट हो चुकी है, तीसरी सिलाई हमने टाइट किया, अब ये चौथी सिलाई है। ठीक है, चौथी सिलाई टाइट करने के बाद हम चेक करेंगे इसको। ये लीजिए, हमने इससे सिरे से एक बार और चेक कर लिया, देखिए बिल्कुल ओके है। करते हैं मतलब एक तार बॉडी में दूसरी तार बॉडी में टच करते हैं तो ये देखिए करंट आ रहा है, लेकिन ऐसे किसी तार पे करंट नहीं आ रहा, मतलब मोटर ओके हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसका कनेक्शन करते हैं, स्विच ऑफ कर लिया हमने। कैपेसिटर की वायर जो है ये इन दोनों में डालेंगे क्योंकि मेन इसकी ये है। ठीक है, रनिंग जो है सबसे मेन इसकी ये कॉमन है,
ठीक है, स्टार्टिंग रनिंग दोनों आपस में जब होती थी दोनों कॉमन होता है, ये मेन बन जाती है। उसका जो एक स्टार्टिंग होगी वो कोई एक होगी और एक इसमें रनिंग होगी। तो क्या करेंगे, एक इसमें मेन देंगे और चेक करेंगे इसका उल्टा सीधा चक्कर, जिस तरफ ये मूव करेगा उसी साइड हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो हमने सीरीज में स्विच दे दिया है, स्विच ऑन कर दिया है। अब हम चेक करेंगे इसको, ये चल रहा है नहीं चल रहा, देखिए चल पड़ा ये। तो जहाँ तक आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, इसकी आवाज़ अब ख़त्म हो चुकी होगी क्योंकि हमने हैमर को उसकी बॉडी पे इस्तेमाल किया है। अब देखिए आवाज़ बिल्कुल नहीं है, ओके हो चुका है। मोटर प्रॉब्लम थी जो कि हमने इसके मोटर रिबाइंड कराई है, और रिबाइंड करने के बाद दोबारा हमने इसे फिट किया, ऑयलिंग वगैरह अच्छे से किया, ठीक है, ओके हो चुकी है हमारी मोटर। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्रोटो नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।